साहब श्री भगवंत मान पुंडरी हलके में सरदार भगवंत मान के पहुंचने पर हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सरदार भगवंत सिंह मान जिंदाबाद। आज के इस जन समर्थन रैली के मुख्य अतिथि पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी, मंच पर आज के कार्यक्रम के आयोजक नरेंद्र शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के सारे वरिष्ठ लीडर्स जो मंच पे बैठे हुए, मंच के सामने बैठे हुए, मुझे खुशी है कि आप इतनी बड़ी संख्या के अंदर यहां पर आए हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, सबको हाथ जोड़ के नमस्कार। आज हमारे बीच के अंदर पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान आए हैं, जिन्होंने अभी किसान आंदोलन के दौरान किसानों की तरफ से शामिल होकर केंद्र सरकार से बात की, जिन्होंने जिस युवक को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गोली मारी थी शुक्रन के, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि दी, उनकी बहन को सरकारी नौकरी दी और ये कहा कि मरणदाता के साथ हूं। वो भगवंत मान जिन्होंने अपने समय के अंदर 45,000 से ऊपर सरकारी नौकरी दी, सारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की और व्यापारियों के लिए ग्रीन रजिस्ट्री चला के हर तरफ का झंझट एनओसी का सारा खत्म किया, एक ऐसा रंगीला पंजाब बनाया जिसके अंदर हर गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोला, सारे सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास एक्सलेंट स्कूल बनाने की शुरुआत की, आज हमारे बीच के अंदर आए हैं। मैं हरियाणा की जनता की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पुंडरी के इस लोकसभा कुरुक्षेत्र के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन। पूरी भारतीय जनता पार्टी आज बुरी तरीके से डरी हुई है। 4 चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लगातार हार के तरफ जा रही है और यही कारण है कि आज हरियाणा सरकार भी डगमगा गई है। इनके साथ वाले एमएलए इनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। हरियाणा के अंदर और पूरे देश के अंदर किसानों के साथ जितना अत्याचार भारतीय जनता पार्टी ने किया आज तक कभी हुआ नहीं। 750 किसानों की शहादत के बाद भी प्रधानमंत्री झूठा वायदा कर गए कि वो एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएंगे। आज पूरे देश के अंदर महिलाओं के साथ जो यौन अपराध किया जा रहा है, चाहे मैं मणिपुर की बात करूं या देश की पहलवान बेटियों की बात करूं या पेहवा के अंदर जूनियर कोच की बात करूं, इनके मंत्री, इनके सांसद इसके अंदर शामिल। हरियाणा के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पे है, हर घर के अंदर पढ़ा लिखा युवक बेरोजगार बैठा है। पढ़ा लिखा युवक या तो बेरोजगारी के रास्ते के कारण नशे में चल पड़ा, या अपराध की दुनिया में चल पड़ा, या अपनी दादा लाई जमीन बेच के विदेश जा रहा है। आज घर के अंदर बूढ़े मां बाप अकेले, कभी कभी पोता पोती से बात करने का दिल करता है तो वीडियो कॉल पे बात करते हैं। माननीय
मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा के अंदर पोर्टल के नाम पे हर किसी को परेशान किया जा रहा है। फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे इस प्रदेश को लूटा जा रहा है। यहां पे जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, खुद नरेंद्र मोदी जी ने उसके ऊपर 1,86,000 करोड़ रुपए कोयला चोरी का आरोप लगाया। वो देश के 1,86,000 करोड़ रुपए तो वापस नहीं आए, भारतीय जनता पार्टी को और इसकी सहयोगी पार्टी को 195 करोड़ रुपए चंदा जरूर मिला। आज पूरे देश के अंदर जितने भ्रष्टाचारी हैं, नवीन जिंदल सहित भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल होते जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। अब समझ में आया कि उन्होंने कहा था एक भी भ्रष्टाचारी को भारतीय जनता पार्टी के अंदर लाए बिना नहीं छोड़ूंगा। सारे के सारे आज उनके वॉशिंग मशीन से धुलते जा रहे हैं। अब समय परिवर्तन का है। कुरुक्षेत्र लोकसभा के एक एक गांव के अंदर बोर्ड लगे कि बीजेपी और जेजेपी का घुसना मना है। पूरा उत्साह के साथ जहां मैं पुंडरी में खड़ा हूं, एक एक व्यक्ति इंडिया गठबंधन का समर्थन कर रहा है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 10 की 10 लोकसभा सीट के ऊपर पूरी मेहनत के साथ 10 सीटों को जितवाने के लिए मेहनत में लगा हुआ है। और कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता कुरुक्षेत्र सीट के ऊपर मन से लगा हुआ है कि आज इंडिया गठबंधन को कुरुक्षेत्र की सीट मिलनी चाहिए। मैं आभार व्यक्त करता हूं इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों का कि हम सब मिलकर अब हिंदुस्तान को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए एक ऐसी सरकार बनाने जा रहे हैं जहां पे भय नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, अपराध नहीं होगा, किसान को स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से एमएसपी मिलेगी और मुस्कुराता हुआ हिंदुस्तान होगा। आज हम सब सरदार भगवंत सिंह मान जी को सुनने के लिए यहां पर आए हैं। मैं आपका और अधिक समय नहीं लूंगा, केवल आपसे वोट की अपील करूंगा। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आने वाली 25 मई को झाड़ू का बटन दबा के मुझे आशीर्वाद दें। पुंडरी विधानसभा इलाके में आया हूं। इस इलाके के क्रांतिकारी लोग, इस इलाके के देशभक्त लोग, इस इलाके के लोकतंत्र को और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के लिखे हुए संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ने वाले लोग, मेरे सामने सत्कार योग्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, महिलाएं, माएं, बहनें, बच्चे सब इतनी भारी संख्या में आए हैं गर्मी के बावजूद। आप सबका एक एक चला हुआ कदम हमारे सर माथे पर, हमारी इंडिया गठबंधन की पूरी लीडरशिप, कुरुक्षेत्र, पहेवा, शाहबाद, कैथल, गुला, इधर से जो हमारी अपनी गांव है, मैं जब आ रहा मुझे फर्क नहीं लग रहा था कि पंजाब है, हरियाणा है, वही गुरुद्वारा, जितनी भी हमारी लीडरशिप आई है सबका बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे यहां बुला के मान सम्मान दिया। सबसे पहले सबको नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, ये जो चुनाव है,
ये आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव हमारा देश जो एक खतरनाक मोड़ पे खड़ा है, ये चुनाव हमारे देश को बचाने का चुनाव है। देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, या तो तानाशाही की तरफ जाएगा और या तो फिर लोकतंत्र तरीके से चुने हुए लोग आपकी इच्छा के मुताबिक काम करेंगे, आपकी इच्छा के मुताबिक कानून बनेंगे, या तो देश एक बहुत ही खतरनाक संविधान को खत्म करने वाली पार्टी के हाथ में आएगा, या तो फिर ऐसी पार्टियां जो चाहती हैं कि देश तरक्की करे, जो चाहती हैं हर स्टेट तरक्की करे, या तो फिर उनके हाथ में आएगा। ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, क्योंकि बीजेपी के बहुत से नेताओं ने ये बोल रखा है हमें 400 से पार कर दो हम संविधान बदल देंगे। ये बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान बदल देंगे, इसके बाद इलेक्शन नहीं होगा, जैसे रशिया में होता है, रूस में होता है, जो पुतिन है वो इलेक्शन नहीं करवाता किसी विपक्षी नेता को, वो अपने विरुद्ध खड़ा नहीं होने देता लड़ने के लिए चुनाव। अभी उसने चुनाव कराए 2 महीने पहले, लगभग 90% वोट डल गए, जो 10% नहीं डले वो खराब वोट हो गए थे, उसके खिलाफ वोट नहीं हो सकते, तो 10 साल के लिए और बन गया, अगले 10 साल के लिए और बन जाएगा। यही काम यहां शुरू होने वाला है भाई साहब, फेडरल स्ट्रक्चर खत्म कर देंगे ये। लेकिन उनको शायद ये पता नहीं है, जो ये भाजपा वाले हैं तानाशाही में इतना ज्यादा अहंकार में इतना ज्यादा अंधे हो गए, उनको पता नहीं है ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, 140 करोड़ लोगों का देश है, 140 करोड़ लोगों का, इसको आप ऐसे नहीं बदल सकते संविधान को। ये जो आजादी है ये हमें रेवड़ियां बेचकर नहीं मिली, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी, शहीद आजम भगत सिंह से लेके करतार सिंह सराभा, राजगुरु सुखदेव, लाला लाजपत राय, मदन लाल ढींगरा, तब तो पंजाब इकट्ठा ही होता था, सारा हरियाणा इकट्ठा होता था, हमारे बुजुर्गों ने जलियांवाला बाग में 1000 से ज्यादा जो शहीदियां दी, तब जाके कहीं हमें ये देश मिला है। ये देश बहुत आजादी जो है पंजाब हरियाणा तो खास तौर पे पंजाब हरियाणा के लोगों को तो बहुत महंगी पड़ी है आजादी, बहुत मोल चुकाना पड़ा आजादी का। 10 लाख लोग मर गए बंटवारे में, कौन मरे? हमारे चाचे नाने दादे हमारे मरे, तो हमने तो बहुत मोल दिया इस आजादी का। सो इस आजादी को बचाने के लिए आज भी पंजाब के हरियाणा के नौजवान लड़के सरहदों पर अपना सीना तान के खड़े हैं, आज भी आजादी को बचाने के लिए भी सबसे ज्यादा कुर्बानियां हमारी हैं। ये गलतफहमी में ना रहे कि हम अरविंद केजरीवाल को अंदर करके पार्टी को तोड़ देंगे, या इसी पार्टी का खाता फ्रीज करके, खाते जो उनके उनको बैन करके उस पार्टी की आवाज को बंद कर देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। सभी दोस्तों इनको जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली में 25 मई को है चुनाव, यहां भी 25 मई को है। दिल्ली में तो नारा चल रहा है, अब ये नारा पंजाब यहां हरियाणा में भी चला लो कि 25 मई भाजपा गई। सो आपने भी यही करना है, 25 मई भाजपा गई। इनको पता चल गया, पहले 4 राउंड जो हो गए ना, बीजेपी को पता चल गया कि इस बार 400 पार नहीं, इस बार तो बेड़ा पार नहीं हो रहा, 400 को बात दूर है। तो इनके भाषण की टोन बदल गई। तो मोदी जी
धमकी भरे भाषण देने लगे क्योंकि उनको पता चल गया कि हम हार रहे हैं। मैं पंजाब में 2.25 साल से मुख्यमंत्री हूं, मैं अपने 2.25 साल के काम गिना के वोट मांग रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जी 8 साल से दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो 8 साल के काम गिना के वोट मांग रहे हैं। हम नाम की राजनीति नहीं करते, हम काम की राजनीति करते हैं। पंजाब में 2.25 साल में 43,000 सरकारी नौकरियां देके आपके सामने खड़ा हूं भाई साहब, 43,000। और आपकी रिश्तेदारियां होंगी, आपके दोस्त मित्र होंगे, पता कर लेना फोन करके कि एक भी रुपया किसी को रिश्वत का देना पड़ा हो, एक रुपया कोई भ्रष्टाचार के मंत्री ने मांगा या एमएलए ने मांगा कि तेरे बेटे को नौकरी लगवा दूंगा, एक रुपया भी जा आप साबित करके दिखा दीजिए। अगर नीयत साफ हो तो सब कुछ हो जाता है। फिर बिजली का हमने कहा था कि बिजली फ्री करेंगे, आज 90% पंजाब के घरों में बिजली का बिल जीरो आता है जी, जीरो, बड़ी जीरो। जब हमने बिजली के बिल फ्री किए तो 2 महीने में बिल आता है, 2 महीने बाद। हमने 300 यूनिट पर मंथ यानी कि 600 यूनिट माफ कर रखे हैं। किसी का भी घर हो, चाहे वो एसी भी लगाओ, अगर उसका बजट, उसका मीटर का जो काउंट है वो 600 से कम है तो उसको जीरो आएगा बिल। तो हमारे घर पे एक लड़का काम करता है, उसको मैंने पूछा यार तेरे घर का बिल आ गया, कहता हाँ जी। मैंने कहा कितना आया, कहता जी मुझे पता नहीं। मैंने कहा अपने भाई से व्हाट्सएप मंगवा, वो गांव में रहता उसका भाई, व्हाट्सएप पर उसने बिल की फोटो मंगवाई, कहता जी ये देख लीजिए, मुझे पता नहीं चल रहा कितना बिल आया है, ले एक 40 लिखा हुआ है और 40 के सामने एक डैश है, एक लाइन है, मुझे पता नहीं चलता क्या है। मैंने कहा ये -40 बोलते हैं इसको। कहता जी इसका मतलब क्या होता है? मैं कहा -40 मतलब बिजली बोर्ड ने, पंजाब के बिजली बोर्ड ने आपके 40 रुपए देने हैं। वो कहता जी भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारे भी किसी ने देने हैं, हमसे तो लेने हैं लोगों ने। तो ये स्थिति बदल सकती है अगर नीयत साफ हो। दिल्ली में भी पंजाब में भी बिजली का बिल जीरो आता है। दूसरी बात, आमतौर पे क्या होता है, सरकार बनती है, 6 महीने में सरकार सरकारी संस्थाओं को घाटे में दिखाकर अपने दोस्तों मित्रों को कौड़ियों के भाव बेच देती है। जैसे बीजेपी वालों ने बेचा, तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, LIC बेच दी, सब कुछ बेच दिया। लेकिन पंजाब सरकार ने उल्टी गंगा बहाई है, जीवी के कंपनी है, आंध्र प्रदेश की जीवी के कंपनी का एक थर्मल प्लांट था गोइंदवाल साहब में, 540 मेगावाट का। पहली बार हुआ है देश की हिस्ट्री में कि सरकार ने एक प्राइवेट सेक्टर को खरीद लिया, हमने वो थर्मल प्लांट खरीद लिया भाई साहब, क्योंकि हमारे पास कोयला बहुत है, हमारी खान कोयले की खान चलती है झारखंड में, पछवाड़ा में, हमारे पास कोयले की कोई कमी नहीं है। तो दिन रात बिजली आती है पंजाब में, खेतों में वो फ्री है, खेतों वाली भी फ्री है। मैंने बिजली के अफसरों को बुलाया, मैंने कहा यार पूरी दुनिया के दफ्तर जो है ना वो सुबह 9 से 5 बजे तक खुलते हैं, ये किसानों का दफ्तर रात को 2 बजे क्यों खुलता है? रात को 2 बजे बिजली आएगी जी, रात को 1:30 बजे बिजली आएगी, ना पहले सो सकते हैं ना बाद में सो सकते हैं। कहते जी पहले से रोस्टर बना हुआ है। मैंने कहा कोई रोस्टर वोस्टर नहीं चलना, सुबह बिजली दो, पूरा दिन बिजली दो, उसके बाद अगले दिन फिर दो, रात को भी बिजली दो, जब चाहे किसान अपने मोटर का स्टार्टर का बटन दबा के अपना पानी जो है खेतों को दबा सकता, कोई उस पर पाबंदी नहीं है। तो अभी मुझे एक किसान मिला, उसने कहा जी आपने हमें अफसर बना दिया। मैंने कहा कैसे? कहता हमारा दफ्तर भी 9 से 5 ही खुलता है, अब हम भी 9 से 5 ही खेत जाते हैं। तो दोस्तों हम लोग जीरो से आए हुए हैं, हम धरती के मिट्टी के पुत्र हैं, हमें पता है मुश्किलें क्या है। इनको क्या पता राजे महाराजाओं को सोने का चम्मच लेकर मुंह में पैदा हुए हैं, इनको क्या पता गरीबी क्या होती है, मेहनत क्या होती है, इनको कुछ नहीं पता। ये तो बस सिर्फ
वोटों के समय निकलते हैं बाहर, उसके बाद फिर अंदर चले जाते हैं। पंजाब में क्या करते थे, अकाली दल और कांग्रेस दो ही थे पंजाब में, क्या था कि अकाली दल वाले लूटते थे, इसीलिए आज वो खत्म हो गए हैं। आज खत्म है, दो सीटें सर, दो सीटें अकाली दल जो कहते थे राज करेंगे 25 साल, उनके पास 25 सीटें नहीं है। ये भगवान है, लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, लोकतंत्र में लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। पब्लिक है, पब्लिक बहुत बड़ी है, पब्लिक बहुत बड़ी है। सर हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। सो दोस्तों, आप लोगों ने हमें दिल में जगह दी है, इसीलिए हमें थकावट नहीं होती। बहुत सारे पंजाबी भरा बैठे हैं, बहुत सारे मेहनती हार्ड वर्किंग कौम है साड़ी, जिथे जाने कामयाब होने। जी 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 जी, सो साडे खुले दिल वाले साडे पंजाबी भरा दुनिया दे विच जिथे मर्जी मुसीबत आ जाए, तुर्की दे विच भूचाल आ जाए, जा यूक्रेन रशिया की जंग लग जाए, बाकी संस्थाएं पहुंचे ना पहुंचे, हमारा गुरु नानक देव जी वाला 20 रुपए वाला लंगर तो वहां लग ही जाता पहले। सो दोस्तों, हम लोग पूरे देश को, पंजाब और हरियाणा पूरे देश का पेट पालता है। 130 लाख मीट्रिक टन गेहूं दे रहे हैं पंजाब से, 100 के आसपास 100 लाख मीट्रिक टन हरियाणा देता है। हम लोग देश का पेट पालने वाले हैं, तो ये लोग नफरत की आग फैलाने वाले हैं। मुझे पत्रकारों ने पूछा कि किसान दिल्ली क्यों आते हैं, किसान दिल्ली क्यों आना चाहते हैं। मैंने कहा मोदी जी दिल्ली क्यों आए गुजरात छोड़ के, बोले जी वो तो जीत के आए हैं। मैंने कहा जीत के आ गए, अब जब देश दिल्ली से चल रहा है, कोई समस्या होगी दिल्ली जाएंगे, मैं लाहौर भेज दूं उनको, कहां भेजूं मैं उनको। मैंने कहा लाहौर जाना आसान है, वहां कम तारे लगी हुई हैं, ये खनौरी वाले बॉर्डर पर, शंभू वाले बॉर्डर पर ज्यादा तारे और कील लगे हुए हैं। आप उनसे बातचीत नहीं कर सकते, आप उनसे बात नहीं करते। बात करो उनसे, वो क्या चाहते हैं, भाई हमारी फसलों का भाव बढ़ाओ, महंगाई बढ़ गई है तो हमें फसलों का भाव भी बढ़ा के दो। लेकिन वही वाली बात है, पानी दे, ये लॉलीपॉप देते हैं बिल्कुल बिल्कुल इलेक्शन के पास आके। इन्होंने अभी कहा है कि सिलेंडर 100 रुपया सस्ता, इनसे पूछना 1100 रुपया महंगा किसने किया था, 1100 रुपया महंगा करके 100 रुपया सस्ता कर दिया। लोग कहते हैं भाई बड़े भाई भाई कमाल है भाई, 100 रुपया सस्ता कर दिया। ये वो वाली बात होगी, याद रखना कि पुंडरी में भगवंत मान आया था, उसने ये बात कही थी, ये कैसे लॉलीपॉप देते हैं, हम कैसे उनकी बातों में आ जाते हैं। एक किसी जिम्मेदार परिवार में शादी थी लड़की की, अच्छा जिम्मेदार परिवार था, जमीन थी अच्छी खासी, तो उन्होंने कहा बेटी की शादी लाडली बेटी है, धूमधाम से करेंगे, बहुत सारे सोने के जेवरात, चांदी के जेवरात, सोफा सेट, टीवी, बड़ी बड़ी अलमारियां लड़की को देने के लिए शादी में। वो खरीद ली, इकट्ठे कर ली, कल बरात आनी थी, आज शाम को डाकुओं को पता चल गया कि इस घर में माल है, डाकू ट्रक लेके आ गए, सारा सामान ट्रक में भरा। चलने से पहले डाकुओं का सरदार बोला एक मिनट, लड़की का परिवार कौन से कमरे में बंद है, जिस कमरे में लड़की के परिवार को बंद किया था बाहर से कुंडी लगा के, उसको खोला गया सर इसमें। तो अंदर वो बेचारे डरे बैठे, तो डाकू ने कहा किस लड़की की शादी है, वो लड़की उठी, जी मेरी शादी। डाकू ने अपनी जेब में हाथ डाला, 100 रुपया निकाला और उसको शगन दे दिया, कहता बेटा आशीर्वाद है, तंदुरुस्त रहो, पूरी दुनिया की खुशियां आपकी झोली में दे, गुरु परमानंद। चलो जी चले गए,
लूट के ले गए सब कुछ। अगले दिन पुलिस आई, लड़की के परिवार का एक भी बंदा पुलिस के पास FIR लिखवाने को तैयार नहीं था। कहता जी लूट के भले ही ले गए लेकिन बंदे बड़े अच्छे थे जी, 100 रुपया शगन दे गए। यार वही हमारे साथ होता है, हम भी कहते हैं ठीक है 4.5 साल देश लूट लिया मोदी ने लेकिन बंदा बड़ा अच्छा है, 100 रुपया सिलेंडर कम कर दिया जी बस। सो ऐसे इनके लॉलीपॉप में मत आना। सो मैं तो ये कहने आपके लिए पास आया हूं कि अपना कौन से नंबर पे बटन, अपना बटन जो है 5वें नंबर पर है मशीन में, बटन मशीन में 5वें नंबर पर है लेकिन आना 1ले नंबर पर है। किसी और बटन को देखना मत वरना काला मोतिया हो जाएगा। पता नहीं क्या क्या पाप किए हुए इन्होंने भाई साहब, लोगों का खून पिया हुआ है इन्होंने। सो मैं ये कहने के लिए आपके पास आया हूं और मैनू इस गल की भी खुशी है कि मेरे जिंदगी च जिथे रिश्तेदारी हुंदी है उत्थे प्यार सत्कार ज्यादा मिलता है बद मिलता है। मेरे सौरा परिवार इतों जिहड़ा पेवे तो बैठे ने, इस परिवार सारे साडे सौरा साहब बैठे ने, रिश्तेदार बैठे ने। सो मैं हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नंबरदार सब तो कुंडरी तो है। सो एक दूजे ना रिश्तेदारियां ने, इको पत्तन दा पानी पीने, अपने दुख सुख सांझे ने, आओ कट्ठे हो के देश नू बदलीए क्योंकि देश नू बचाउणा बहुत जरूरी है। इन्हां नू ए हंकार च फिर दिया, हुण हंकार बहुत है, इनू अंदर कर दो, इते परचा कर दो, ED भेज दो, CBI भेज दो। ऐसे नहीं चलता भाई साहब, ऐसे नहीं चलता, क्योंकि हमको ये पहचानना पड़ेगा कि चोर कौन है। हमको ये आपस में लड़ा देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि लूट कौन रहा है, चोर कौन है। एक गांव में भैंसें चोरी होने लगी, एक रात में 2 भैंसें चोरी हो गई, अगली रात फिर 1 भैंस चोरी हो गई, उसके अगली रात 2 भैंसें और चोरी हो गई। तो गांव वालों ने कहा यार जी ये क्या हो गया, गांव पर कोई ग्रह कोई गलत हो गया, क्या प्रकोपी हो गई है। तो एक गांव में साधु संत रहता था, उसी गांव में बड़ी मान्यता थी उसकी, उसके पास गए गांव वाले, बाबा जी भैंसें चोरी होने लगी हैं जी, 5 भैंसें चोरी हो गई हैं, कल बलवीर की 2 चोरी हो गई हैं, परसों गुरमेल सिंह की भैंस चोरी हो गई थी, क्या करें सर बताइए बाबा जी। तो बाबा जी ने कहा ऐसा करो एक चद्दर ले लो, उसके चारों कोने पकड़ के खड़े हो जाओ 4 जाने और लोगों को कह दो कि नीचे से गुजरें चद्दर के, जैसे ही चद्दर के नीचे से लोग गुजरेंगे जिसने भैंसें चोरी की होंगी उसको वहीं पे दौरा दिल का हो जाएगा और वो मर जाएगा। गुरुद्वारा साहब के स्पीकर में अनाउंसमेंट करके 4 जने चद्दर पकड़ के खड़े हो गए ऊपर करके थे, तो लोगों को नीचे से गुजरना शुरू करवा दिया, सारे बंदे गुजर गए कोई नहीं मरा, महिलाओं को भी निकाला नीचे कोई नहीं मरा, बच्चों को भी बीच में से निकाल दिया कोई नहीं मरा। कारण पता क्या है, जो भैंसे चोरी करते थे वो तो चद्दर पकड़ के खड़े थे, भी मरे कौन। अब हमें पता ही नहीं चलता, हम आपस में चोर ढूंढ रहे हैं, जो लूटने वाले हैं वो तो चद्दर पकड़ के खड़े हैं। अरे भाई साहब पहले उनसे चद्दर छीन के ईमानदार लोगों को चद्दर दो, तब जाके चोरियों का पता चलेगा कि चोर कौन है लुटेरा कौन है। सो ये बात आपके लिए करने आया हूं। अपना तो चुनाव चिन्ह बहुत अच्छा है, मुझे पत्रकारों ने पूछा कि आपने पंजाब और दिल्ली में मोदी की आंधी को कैसे रोका, ये 2022 की बात है, क्या आपने पंजाब में और दिल्ली में मोदी जी की आंधी को कैसे रोका। मैंने कहा इसमें क्या रोकने वाली बात है, कहते क्या, मैंने कहा भाजपा का चुनाव चिन्ह क्या है, बोले कमल का फूल। मैंने कहा आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, बोले झाड़ू। मैंने कहा कमल का फूल कहाँ उगता है,
बोले जी कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू क्या काम करता है? कहते जी कीचड़ की सफाई। मैंने कहा पंजाब और दिल्ली में हमने कीचड़ की सफाई कर दी, झाड़ू से कमल उगा ही नहीं। पंजाब में 117 सीटें हैं, 92 आम आदमी पार्टी के पास हैं, 18 कांग्रेस के पास हैं, और भाजपा के पास कितने? 2। भले तो स्कूटर पे बैठ के भी विधानसभा आ सकते हैं, वो 2 हैं। अब वो भी सफाया हो सकता है, वो सफाया भी हो सकता है। सो पंजाब वाले तो भाई मन बना के काम करते हैं। इस बार आप भी बदल दो, इस बार पलटी मारो, इनको बता दो कि हमने कोई ठेका नहीं ले रखा, हमने कोई रजिस्ट्री नहीं करवा रखी कि वोट आप ही को डालना है। जो देश को बेच रहा है, जो देश के लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, उनको हराओ। देश बचेगा तो पार्टियां बचेंगी, तो लोकतंत्र बचेगा, वरना लोकतंत्र का क्या करोगे? जब इलेक्शन ही नहीं करवाने, इलेक्शन करवाने ही बंद कर देगा ये। तो इसलिए मैं आपके पास आया हूं। आज पूरा दिन मैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र विधानसभा में, और जहां जहां भी आपकी दोस्तियां हैं, रिश्तेदारियां हैं, इंडिया गठबंधन का, जहां भी पूरे देश में इंडिया गठबंधन का कोई बंदा उम्मीदवार खड़ा है, उनको जिताने के लिए बोलो। जहां जहां आपका चलता है, बूंद बूंद से समुन्दर भरता है, बूंद बूंद से समुन्दर भरता है। तो इसलिए मैं कहने आया हूं। मुझे पूछने लगते हैं कई बार पत्रकार कि जी इन भ्रष्टाचारियों की वजह से ये 10 साल जो मोदी जी है, इनकी वजह से, इनके दोस्तों की वजह से देश का कितना नुकसान हो गया होगा भ्रष्टाचारियों की वजह से। मैंने कहा जी नुकसान अब कैसे बताऊं आपको। मैंने कहा जी हमारे गांव में लाला जी की दुकान है, कस्तूरी लाल है उनका नाम, उस दुकान में चोरी हो गई। वो दीवार फांद के तोड़ के वो गल्ला वगैरह पैसे वगैरह ले गए। अगले दिन लाला जी ने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी। चलो दुकान तो चलानी थी, लोहड़ी वाले दिन थे, गच्चक वगैरह रेवड़ी वगैरह ऐसे वो बोरी को ऐसे किनारे मोड़ के रख दिया, तो लोगों को पता चल गया भी कस्तूरी के यहां चोरी हो गई। अफसोस करने आने लगे लोग, जो आए रेवड़ी वाली बोरी से मुट्ठी भर के चार पांच खाता पूछ ले, कस्तूरी जी बहुत बहुत बुरा हुआ, कितना नुकसान हो गया होगा। जो आए रेवड़ी और गच्चक उठाए और मुंह में डालकर खाते खाते पूछे कितना नुकसान हो गया होगा। सरपंच साहब भी आ गया, दोपहर के 2-3 बजे कहीं गए हुए थे, उसने कहा मैं भी अफसोस कर लूं। सरपंच साहब ने भी ऐसी मुट्ठी जो है रेवड़ियों की भरी और कस्तूरी जी की गद्दी भी बैठ गए उसके साथ ही, और खाते खाते पूछा कस्तूरी जी बहुत बुरा हुआ, कितना नुकसान हो गया होगा। तो कस्तूरी ने कहा सरपंच साहब आधे से ज्यादा गांव तो पता ले गया है, अभी आधे से ज्यादा पता ले चुके हैं, अभी 30-40% अभी बाकी हैं जो अफसोस करने आएंगे। अभी तो नुकसान चल रहा है जी, जो आता है बस रेवड़ियां खा के पूछता है। तो जब शाम को सारा गांव अफसोस कर गया तब हिसाब लगाएंगे। मैंने कहा जी अब मैं कैसे बताऊं कि मोदी ने देश का कितना नुकसान कर दिया। ये तो इंडिया गठबंधन की ईमानदार सरकार बनेगी तब जाके हिसाब लगाएंगे कि देश का कितना नुकसान कर दिया। सब दो देश का नुकसान रोकने का हमारे पास एक मौका मिलेगा, वो भी 9 घंटे है, सुबह 7 बजे से 10 घंटे, शाम के 5 बजे तक 6-11 घंटे लगा लो। 25 तारीख को हमारा चुनाव 1 जून को है, तो अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ चुके हैं, आपके पास यहाँ वो आ भी चुके हैं, और भी अभी आएंगे, जहां जहां आप बुलाओगे हम आएंगे। लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। तो जहां भी बुलाओगे हम आएंगे। सुशील गुप्ता जी हमारे यहां से उम्मीदवार हैं और राज्यसभा का तजर्बा है इनका, और जब किसान आंदोलन चल रहा था, एक बहुत अच्छी बात बताता हूं मैं, किसान आंदोलन चल रहा था, मोदी सुन ही नहीं रहा था, ये 25 दिसंबर की बात है, किसान आंदोलन 26 नवंबर को शुरू हो गया था, तो पूरा 1 महीना हो गया था, सुन ही नहीं रहा था बात किसी की। तो एक फंक्शन था सेंट्रल हॉल में, मैं और संजय सिंह जी हमने कहा इनका विरोध करेंगे यहाँ पे, इनको बताएंगे कि किसान ठंड में बैठे हैं,
उनका उनका उनके साथ बात करो, तब जो वीडियो आपने देखी भी होगी शायद, जिसमें हम प्रधानमंत्री जी का ऐसे तख्तियां लेके विरोध कर रहे हैं कि अन्नदाता मर रहा है वहां पे बॉर्डर पर सरहदों पर। तो गुप्ता जी भी साथ थे, इनकी ड्यूटी लगी थी वीडियो बनाने की। आपने वीडियो बनानी है आके लोगों को पता चल सके कि जो विरोध किया है आम आदमी पार्टी वालों ने किसानों के पक्ष में जो विरोध किया था, और कोई स्टेडियम नहीं दिया हमने कि इनको जेल बना दो या कोई, बाकी जो मनुष्य के तौर पे हमारा फर्ज बनता पानी बिजली वहां पे खाना वाना लंगर वो भी हमारा चलता रहा। महेंद्र गोयल जी खड़े हैं, ये इसके स्पेशलिस्ट हैं। सो बहुत बहुत आपका धन्यवाद।